इंद्रियों का पाठ अपना चल रहा है। कल हमने चर्चा की थी इंद्रियां किसे कहते हैं, इंद्रियां कितनी होती है, जिन किसे कहते हैं, जैन किसे कहते हैं, चर्चा की थी ना, किसे कहते हैं जिन, जिन्होंने अपने हाथ खराब किया, जिन्होंने क्या किया है बताओ, बताओ। हाँ, जिनके मोर आदेश का अभाव हो चुका है और जिन्होंने हिंदुओं को जीत लिया है कि जिन अवर नहीं कि जिन, जैन किसे कहते हैं, बोली एकदम मूल का आता है, हाँ बताओ। हाँ, जिनका अनुयायी सोचे अथवा जिनकी आज्ञा को माने सोचे, जिनके बताए रास्ते पर चले सोचे, इंद्रिया किसे कहते हैं, इंद्री किसे कहते हैं, बताओ इंद्री किसे कहते हैं, बताओ सुभाष जी, इंद्रिया है जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है, उसे इंद्री कहते हैं। एक और परिभाषा थी, चलो बताओ, जो स्वयं इंद्र, हाँ जो स्वयं इंद्र हो, अमित्र के समान जो कार्य करती है, मतलब जिसको अन्य की अपेक्षा नहीं होती उसे इंद्रिय कहते हैं। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने स्वतंत्र है, अन्य इंद्रिय की अपेक्षा उसको नहीं। इंद्रिया कितनी होती है ये किसको नहीं पता, वो हाथ खड़ा करता तो मालूम है, पांच इंद्रियों के नाम भी सबको मालूम है। अभी बताना कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय कितना है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय कितने हैं, गिनती बस गिनती, मुझे तो ही बोलना पता, आठ कौन कौन से आप बताओ, बहुत बढ़िया कि आठ प्रकार के स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय कितने हैं, पीछे वालों से रसना इंद्रिय के विषय कितने हैं, कौन बताएगा, पांच के नाम, स्पोर्ट्स खाते पीते उनके नाम बताना, उन चीजों से याद है, सुनो जी बताओ, बहुत बढ़िया, खट्टा मीठा कड़वा कशाला और चल पड़ा। रसना इंद्रिय हो गई, घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय किस किस के ज्ञान करने में लगते हैं, सबको मालूम हो ना क्या होता, चक्षु इंद्रिय किसका ज्ञान करती है, चक्षु इंद्रिय कौन कौन से रंगों को जानने में लगते बताओ, कितने रंगों को जानती है, बताओ भाई सब, पांच पीस बताओ, कौन कौन से, हरा नहीं जोड़ दिया, देखो रंग के नाम याद करने पड़ेंगे, चलो बताओ पंचे जी, हाँ काला नीला पीला लाल और सफेद, ये जाता आता है, ठीक है ये पांच रंग का ज्ञान करते, कर्ण इंद्रिय किसका ज्ञान करती है, कर्ण इंद्रिय किसके ज्ञान में निमित्त है, बताओ जितेंद्र जी, शब्दों का ज्ञान करने में, सात प्रकार के जो स्वर है उनका ज्ञान करते हैं, वो निमित्त है, ठीक है। ये बताओ एक इंद्रिय जीव के कितने भेद हैं, सबको मालूम है पांच के नाम, तो बताओ किसको नाम किसके पूछे हैं, विकास जी बताओ पांच के नाम, हाँ पृथ्वी काय जल काय अग्निकाय वायु काय, दो इंद्रिय जीव के कुछ उदाहरण, और संख चार इंद्रिय जीव के उदाहरण, तीन इंद्रिय जीव के उदाहरण बताओ,
चीटी और एक को लीक लिखा और जू खटमल और मकोड़ा इंद्रजी चार इंद्रजी के उदाहरण सबको मालूम है, मक्खी मच्छर वगैरह सब चार इंद्रजी। पंचेंद्रीय जीव से देखो तो चलना है, तीन इंद्रिय जीव के कौन कौन से इंद्रिय होती हैं, तीन इंद्रिय जीव के कौन कौन से इंद्रिय हैं, अब देखो पंचेंद्रीय जीव कौन कौन है, पेज नंबर निकालो चार, पंचेंद्रीय जीव कौन कौन है, अपन कौन से इंद्रिय हैं, पंचेंद्रिय, मनुष्य सब पंचेंद्रिय है, देव सब पंचेंद्रिय है, नारकी भी सब पंचेंद्रिय, ये तीनों नियम से पंचेंद्रिय, इनमें एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीव होते ही नहीं, जो एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के या एक इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक का जो भेद है वो केवल त्रियंचों में, मनुष्यों में ऐसा कोई भेद नहीं, देवों में नारकियों में कोई भेद नहीं, मनुष्य देव नारकी ये तीनों नियम से पंचेंद्रिय ही होते हैं और पंचेंद्रियों में भी मन सहित ही होते हैं, एक त्रियंच में बहुत सारी वैरायटी, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सारे भेद त्रियंच होते हैं, सेनी असेनी का भेद त्रियंच होते हैं, मनुष्य देव नारकियों में इस तरह का कोई भेद नहीं, हाँ तो सब पंचेंद्रिय सेनी होते हैं, सब पंचेंद्रिय होते हैं मन वाले होते हैं, ठीक है, त्रियंचों में है पंचेंद्रिय दो प्रकार के, सेनी असेनी इतने सब को, पंचेंद्रिय त्रियंच का उदाहरण क्या है, गाय है भेल है, तीन प्रकार के हैं ये पंचेंद्रिय त्रियंच, कौन से तीन प्रकार के, जलचर थलचर और नमचर, जलचर के उदाहरण सांप, हाँ सांप, सांप जैसे थलचर भी आता है, जल का सांप, मछली मगरमच्छ, मेंढक तो मेंढक जाएगा, मछली मगरमच्छ कछुआ, थलचर शेर, शेर सब शेर गाय बैल घोड़ा हाथी सब थलचर, नक्चर तोता मैना चील कबूतर सब नक्चर, पशु पक्षी जितने भी हैं बड़े बड़े ये सब पंचेंद्रिय जीव, गाय बैल घोड़ा तोता मैना मछली मगरमच्छ सब पंचेंद्रिय, तो इसमें अवगाना भी ऐसे इस चैप्टर से थोड़ा सा बाहर का विषय है, सबसे छोटी अवगाना एक इंद्रियों में किसकी होती है, ये तो नाम ही है, आपने किसको देखा इसमें, ये बड़ी क्लास का विषय है, वैसे एक इंद्रियों में सबसे छोटी अवगाना निगोडिया जीव की होती है, निगोडिया में भी सूक्ष्म निगोडिया और लब्धि अपर्याप्तक का मतलब इसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती और वो भी जन्म लेने के तीसरे समय में होती है, सबसे छोटी होगा, पहले समय में वो रेक्टेंगल शेप में रहता है, दूसरे समय में अवगाना घटके स्क्वायर होता है, जो तीसरे समय में वो घटके वो सर्कल आ जाता है, सर्कल का एरिया सबसे कम होता है तब उसकी सबसे छोटी होगा, जन्म के तीसरे समय सूक्ष्म निगोडिया अपर्याप्त है, हमेशा नहीं रहती पाओ उस समय होता, उससे छोटी अवगाना संसार में कुछ नहीं, अवगाना तो शरीर था वॉल्यूम, शरीर शरीर का वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम सही, मतलब वॉल्यूम मतलब शरीर का नाप घन, शरीर का आयतन, शरीर की जो लंबाई चौड़ाई है उसको अपन अवगाना कहते हैं, तो सबसे छोटा शरीर जो है वो निगोडिया का होता है, उससे छोटा शरीर किसी का सूक्ष्म निगोडिया वो भी अपर्याप्त है, वो भी जन्म के तीसरे समय में उसके सबसे छोटी होती है, पहले समय में बड़ी दूसरे समय में बड़ी तीसरे समय में छोटी होती है, तीसरा समय जन्म का तीसरा समय, जन्म लिया ना जन्म के पहले समय में, हाँ तो पहले उस जन्म के समय जब आता है तब थोड़ी बड़ी होती है, घटते घटते तीसरे समय में उसकी सर्कल जैसी जब बनती है तब उसकी अवगाना सबसे छोटी बनती है, अने संसार में वो सबसे छोटी अवगाना है, सबसे छोटा यदि शरीर है तो वो निगोडिया का है, सूक्ष्म निगोडिया का, वो भी अपर्याप्तक का
और जन्म के तीसरे समय। दो इंद्रियों में सबसे छोटी अवगाहना होती है, अवगाहना मतलब समझिए शरीर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, शरीर का आकार, उसको अवगाहना कहते हैं। अनुन्द्री सबसे छोटा होता है दो इंद्रियों में। अभी अनुन्द्री किसने देखा है, जिसने देखा हो, अनुन्द्री नाम का एक जानवर दो इंद्री में, उसकी अवगाहना सबसे छोटी। तीन इंद्री में कुंथु है, बहुत छोटा सा होता है। ये तो आवाज़ तो क्या है कि ये कुछ इसका वायर खराब हो रहा लगता है, ये वायर जो है ना, हेलो आता है जाता है, पर्याय है। तो तीन इंद्रियों में कुंथु सबसे छोटा होता है। ये अपने जिनेंद्र भगवान ना, सत्रहवें तीर्थंकर का नाम क्या है, कुंथनाथ। अब सब बता देंगे सही, कुंथनाथ में कुंथु तो एक जीव होता है, उसके नाथ है, मतलब वो बराबर है, कुंथुनाथ है, कुंथनाथ नहीं है। ऐसे पद्म प्रभु है, चंदा प्रभु, पारसनाथ, ऐसे ऐसे नाम अपन ने अपने बोलचाल की भाषा में स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं, पढ़ते ही पढ़ते। सुपारसनाथ है बस। तो ये ऐसे कुंथुनाथ है, कुंथनी, तीन इंद्रिय जी होता है, वो छोटा सा। चौ इंद्रिय में सबसे छोटा था कान बक्षिका, ये एक जीव है सबसे छोटा, आपने देखा नहीं है। पंच इंद्रिय में सिक्त मत्स कौन होता है, ये स्वयंभू रमण समुद्र में बहुत बड़ा मच्छा होता है, उसके कान का ये मेल खाता है, जिंदा रहता है, पंचेंद्रिय होता है, उसे कान में रहता है, और वो इतना बड़ा रहता है, जिसके कान में रहता है ना, वो बहुत बड़ा रहता है, हजार योजन लंबा माने एक योजन चार कोस, एक कोस दो मील, माने 8000 मील लंबा, 12000 किलोमीटर लंबा, माने यहाँ से लंदन जितना बड़ा, लंदन भी छोटा है एक्चुअली, उससे भी वो आगे चले जाए, इतना लंबा मच्छा महामत्स, उसे कान में रहता है, पंचेंद्रियों में सबसे छोटा है। अब क्या होता है, जब महामत्स मुंह फाड़ता है तो उसके मुंह में बहुत सारे जीव आ जाते हैं, सांस मतलब पानी खींचता है, तो कितने जीवों को खा लेता है और कितने जीवों को छोड़ देता है। वो जो कान में रहने वाला जो तंदु मत्स है, सिक्त मत्स, वो ये सोचता है कि यदि मैं इसकी जगह होता तो मैं एक को भी नहीं छोड़ता, सबको खा जाता, और वो इन भावों के कारण केवल वो सातवें नरक में जाता है, खाता एक को भी नहीं है। बड़ा वाला तो फिर भी खाता है, लेकिन छोटा वाला तो एक को बिना खाए केवल भाव करके कि यदि मैं इसकी जगह होता तो किसी को भी जिंदा नहीं बच लेता, मैं सबके सबको खा जाता, केवल इन भावों के फलस्वरूप साथ में रख जाए। वो है ये सिक्त मत्स, जिसकी मैंने कहानी बताई भी थी पहले, वो ये है पंचेंद्रिय सिक्त मत्स, सबसे छोटी अवगाहना वाला है, एक भाव बहुत छोटे कर लेता है। अब ये एक इंद्रियों में सबसे बड़ी अवगाहना किसकी, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की बड़ी अवगाहना वाले जीव के नाम, एक इंद्रिय में कमल की, कमल प्रत्येक वनस्पति का एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का 1000 योजन लंबा, 1000 योजन से भी कुछ अधिक लंबा, 1000 योजन माने कोई 8000 मील, 12000 किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा कमल, जिसकी पंखुड़ी मतलब कमल की नाल कितनी लंबी है, 12000 किलोमीटर, तो 12000 किलोमीटर रहने के लिए उसको 12000 किलोमीटर पानी में रहना पड़ेगा, ये सब पानी अपने आप ही 12000 किलोमीटर नीचे, समुद्र भी अपने आप 12000 किलोमीटर नीचे नहीं जा सकता, इतनी हाइट इतनी गहराई नहीं, समुद्र की डेप्थ कितनी ज़्यादा,
हैं, एक आध किलोमीटर होगी और बहुत ज़्यादा होगी तो क्या है, हाँ 3 किलोमीटर समझ लें, 12,000 किलोमीटर तो स्वयं ब्रह्म समुद्र होता है वहाँ, ये सब पाए जाते हैं, ये सब बड़ी बड़ी अवगान हो अभी, क्योंकि इनमें जितने भी हैं जो आपको सोच के आश्चर्य होएगा, 12,000 जिसकी नाल हो मतलब 12,000 किलोमीटर लंबा कमल यहाँ कहाँ मिलेगा, वो सब स्वयं ब्रह्म समुद्र में, स्वयं ब्रह्म समुद्र में अथवा स्वयं ब्रह्म जो द्वीप है वहाँ ये सब बड़े बड़े अवगाना वाले जीव पाए जाते हैं। जम्मू द्वीप है उसको घेर मतलब असंख्यात द्वीप समुद्र है, जो अंतिम द्वीप समुद्र है आधा राजू लंबा चौड़ा, आधा राजू जो है जिसकी मतलब वलय व्यास है, तो वहाँ ये सब जीव पाए जाते हैं। अभी कहाँ है ये अपनी ज्योग्राफी समझने की कुछ समझाएंगे, अभी तो आप इतना समझ लो कि एक इंद्रियों में सबसे बड़ा कमल है, 2 इंद्रियों में शंख, 12 योजन लंबा, 12 योजन माने कितना हो गया, 96 मील माने 150 किलोमीटर, तो उसके अंदर घुस जाए तो गाड़ी चला लो आपका, यहाँ से भोपाल जितना है इतना बड़ा शहर है, आराम से घुस जाओ उसमें, अपना देश का आदमी पहुंच जाए तो हम प्लॉट काटते हैं संख्या इतनी रहने की जगह बने शहर के अंदर। ऐसे 3 इंद्रिय जीव में चींटी है 3 कोस की, 1 कोस 2 मील था, 3 कोस कितना हुआ 6 मील 9 किलोमीटर लगभग 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर लंबी चींटी, यहाँ से कहाँ तक जाएगा वो बड़े गणपति तक, यहाँ से बड़े गणपति जितनी बड़ी चींटी है इतनी बड़ी चींटी। और 6 इंद्रिय में सबसे बड़ा है भौरा 4 कोस का मैंने 8 मील है ना 8-12 किलोमीटर लंबा एयरपोर्ट तक का इतना बड़ा भौरा है, यहाँ से एयरपोर्ट जितना बड़ा सर स्वयं ब्रह्म द्वीप और समुद्र, द्वीप में तो समुद्र। 5 इंद्रिय में महामत्स, ये सबसे बड़ा जीव है संसार में, क्योंकि देखो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय इनसे भी बड़ी होगा ना 5 इंद्रिय महामत्स की है। अब आप देखोगे तो कमल की कितनी है कुछ अधिक 1,000, 5 इंद्रिय महामत्स की कितनी है 1,000 योजन, तो कौन बड़ा हुआ कमल बड़ा हुआ ना, तो अपन किसको बड़ा करें महामत्स, तो गलत तो गलत है, तो 5 इंद्रिय उससे क्या मतलब है, ये तो उसकी अधिक ना 1 इंद्रिय की कुछ अधिक 1,000 है उसकी, 1,000 की ये केवल लंबाई दी है, अभी चौड़ाई और मोटाई नहीं दी, कमल की लंबाई तो है नाल की लेकिन कमल की चौड़ाई मोटाई नहीं इतनी, और ये 5 इंद्रिय महामत्स 1,000 योजन लंबा है और 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, 250 योजन मैंने 2,000 मील 3,000 किलोमीटर तो इसकी हाइट ही है, 3,000 किलोमीटर हाइट 6,000 किलोमीटर चौड़ाई और 9,000 किलोमीटर 3, 6 और 12,000 किलोमीटर लंबा, मैंने अपनी पूरा कंट्री अपनी नहीं रह सकती उसके पूरा विश्व आजकल ऐसे सकता है एक मच्छे के मुंह मगर मच्छे के मुंह सारा अंदर आ रहा है। असंख्यात मगर मच्छे से इतना बड़ा आधार है, ऐसे एक तो मगरमच्छ नहीं असंख्यात मगरमच्छ, लेकिन जो सबसे बड़ी अवगाना वाले होते हैं ये स्वयं ब्रह्म समुद्र के मध्य में पाए जाते हैं, तट पे नहीं मध्य में मिलेंगे, ये सबसे बड़े बड़े हैं। क्या आयु भी अच्छी लंबी चौड़ी 1 करोड़ पूर्व की आयु, महामत्स की उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व की, 4 इंद्रिय की उत्कृष्ट आयु 6 महीने की, 3 इंद्रिय की 49 दिन की, 2 इंद्रिय की 12 वर्ष की और 1 इंद्रिय की 22,000 वर्ष, ये उत्कृष्ट आयु मैक्सिमम लाइफ माने 1 इंद्रिय की हाईएस्ट का सबसे उत्कृष्ट आयु जो है वो कितनी है 22,000 वर्ष, 2 इंद्रिय की
12 वर्ष उत्कृष्ट अधिकतम आयु 3 इंद्रिय की 49 दिन, मैंने चींटी 49 दिन से ज़्यादा दिन नहीं ले सकती, चींटी मकोड़ा खटमल वगैरह, खटमल 49 दिन से अपने आप मर जाएगा वो 49 दिन, और 4 इंद्रिय मच्छर वगैरह 6 महीने, पंचेंद्रियों में कल भोग भूमियों की तो पंचेंद्रिय भोग भूमिया त्रियंश की खूब आयु है, लेकिन पंचेंद्रिय जो कर्म भूमिया त्रियंश है उनकी एक करोड़ पूर्व की आयु, एक कोटि पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष, मतलब 70,56,000 इंटू करोड़ वर्ष, इतनी आयु मैक्सिमम हो सकती है कोड़ा कोड़ी वर्ष, एक कोटि पूर्व पंचेंद्रिय मनुष्य की भी हो सकती है, पंचेंद्री कर्म की तो पंचेंद्री त्रियंश कर्म भूमिया की हो सकती है, मनुष्य की भी क्या ही हो सकती है, कर्म भूमिया मनुष्य भोग भूमियाओं की तो 3 पल तक हो सकती है अपनी, अपन अभी कर्म भूमि में बहुत पीछे आ गए, पंचम काल के मनुष्य ना कर्म भूमि चालू होगी तो 4 काल घटती जा रही आयु, अभी के आदमी की सबसे ज़्यादा आयु हो सकती है तो 120 साल, त्रियंश की अनुपात में लगा, त्रियंश भी अपने जितने जिसके होंगे उस अनुपात में उसके लगेंगे, सबकी अलग अलग, गाय की अलग है, बैल की अलग है, कुत्ते की अलग है, सब शेर की अलग है, आप कौन से त्रियंश पूछो, जितने भी साल कुत्ते की अलग। इसके बाद में इंद्रियों और इनका विषय और इनकी आकृति, 5 इंद्रियां हैं ये, पांच इंद्रियों के विषय, स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? 8 प्रकार का स्पर्श, इसके आकार क्या है, इसकी आकृति कैसी है, स्पर्शन इंद्रिय इसकी आकृति अनियत है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय के आकार अनियत है, अनियत माने कोई फिक्स आकार नहीं है, सबके शरीर अलग अलग आकार की, और स्पर्शन इंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है, तो शरीर का अलग अलग शेप है तो स्पर्शन इंद्रिय का शेप भी अलग है, इसलिए नियत नहीं। रसना इंद्रिय का विषय 5 प्रकार के रस है, और इसका आकार खुरपे जैसा, खुरपा होता है तो अपनी रसना इंद्रिय जो है वो खुरपे जैसी, खुरपा प्लेन खुरपा टेढ़ा मेढ़ा वाला सीधा सा। घ्राण इंद्रिय का आकार तिल के पुष्प जैसा है, तिल का पुष्प होता है ऐसा, ऐसी नाक जो है अपनी इसी तिल का पुष्प। चक्षु इंद्रिय का आकार मसूर की दाल का अन्न, मसूर का अन्न मसूर की दाल देखिए अपनी गोल गोल, उसके जैसा आकार होता है चक्षु इंद्रिय, जो दिख रही है अपने को उसके अंदर होती है छोटी सी, वहां जो आत्मा के प्रदेश होते हैं उनके द्वारा रूप को जानने की सामर्थ्य होती है। बताऊंगा मैं किसे क्या है इसका। श्रोत्र इंद्रिय का आकार यव नाली के समान, यव नाली होती है, नाली नाली देखी थी आप, नाली के समान यव की नाली होती है, कोला का मंदिर उसी के अंदर जो यौन के नाल की जमान आकार। पांचवें इंद्रिय का शेप है। अभी क्या इंद्रियों में 2 प्रकार की इंद्रिय आती है, एक तो होती द्रव्य इंद्रिय और एक होती भाव इंद्रिय, तो भाव इंद्रिय तो ज्ञान की पर्याय, द्रव्य इंद्रिय पुद्गल की, तो भाव इंद्रिय तो अपने ज्ञान का, अपने ज्ञान का वर्तन है, ज्ञान की पर्याय। भाव इंद्रिय के 2 भेद हैं, लब्धि और उपयोग। कौन कौन से भेद हैं भाव इंद्रिय के? लब्धि और उपयोग, इसमें नहीं लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है। भाव इंद्रिय और द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय, ऐसे इंद्रिय के कितने भेद किए हमने? 2। तो भाव इंद्रिय है जीव की पर्याय और द्रव इंद्रिय है उद्गल की, माने जो शरीर के आकार वगैरह है, ये जो शरीर के अंदर जितना भी कुछ बना हुआ है, उद्गल की जो भी रचना है वो सब द्रव्य इंद्रिय है, और जो उसमें जो जीव का जो ज्ञान का व्यापार चल रहा है वो भाव इंद्रिय, रस का जो ज्ञान हुआ वो भाव इंद्रिय, और ये जो रसना इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान हुआ, जो जिसके द्वारा ज्ञान हुआ वो क्या है? द्रव्य इंद्रिय। आ रही कि नहीं बात समझ में? 2 तरह की इंद्रिय, भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय। तो
जानकारी हुई जो पांच इंद्रिय के विषय होगी वो क्या कहलाएगी? भावेंद्रिय। और जिसके द्वारा जानकारी हुई वो क्या कहलाएगी? द्रव्य। भावेंद्रिय के दो भेद हैं, लब्धि और उपयोग। तो लब्धि हम कह सकते हैं, लब्धि माने अपना जिस समय उस जिसका अपना व्यापार नहीं चल रहा हो जिस ज्ञान का, लेकिन अपनी धारणा में बनी हुई है, इसको मैं कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में कहता हूँ कि हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है, अभी यूज नहीं आ रही। और इसके अलावा दूसरा भेद है भावेंद्रिय का उपयोग। उपयोग मतलब रैम, रैम रैम जिसका उपयोग हो रहा है अभी। रैम होती ना रैम, रैंडम एक्सेस में। हेलो, देखना। हेलो हेलो हेलो, क्षण मंजूर है भाई। हेलो, कोई क्या वायर दूसरा लाना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो, जितना आ रहा था तब चला गया। सब कहलाएगी लब्धि। जिसका भी अपन उपयोग कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? उपयोग। जिसका यूज हो रहा है वर्तमान में वो उपयोग कहलाता है, और जो ज्ञान में बना है वो लब्धि। लब्धि का विषय बहुत होता है, और उपयोग का विषय वर्तमान में जो चल रहा है वो होएगा। हेलो, हेलो, क्या इसको हटा ही दो नहीं तो आगे आ जाओ लोग। ये दोनों ज्ञान की अवस्था, अपने ज्ञान का जो छेवशा है, मैंने अपने ज्ञान के अंदर जो जितना भी इस पर्याय में जो अपने को उघाड़ मिला है, ज्ञान जितना खिला है पूरी पर्याय में, वो लब्धि है। लब्धि मैंने जो प्राप्ति हुई है ज्ञान की, तो जितने ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो लब्धि है। और जिस ज्ञान का वर्तमान में व्यापार चल रहा है वो उपयोग। ये दोनों अपनी भावेंद्रिय है। ठीक है, समझने में कोई कठिन तो नहीं है? सीधे सच्चे ध्यान रखना, हार्ड डिस्क और रैम। रैम है वो क्या है? उपयोग। और हार्ड डिस्क है वो लब्धि, पड़ी हुई है अंदर, काम आएगी जब आएगी, जब जरूरत होगी तो उसमें से निकाल के लाएंगे हम। और जिसका भी उपयोग हो रहा है वो रैम है, वो उपयोग है। इस प्रकार से लब्धि और उपयोग ये दोनों भावेंद्रिय के भेद। इसके बाद में द्रवेंद्रिय। द्रवेंद्रिय के भी दो भेद हैं, एक निवृत्ति और एक उपकरण। फिर निवृत्ति के अंदर भी जाओ तो निवृत्ति के भी दो भेद हैं, अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। ये चार बनाना पड़ेगा, चार बनाना तत्वार सूत्र में है हमने, इसके पास में देखो। इसके अंदर यहाँ पे आपको ही मिल जाएगी किताबें, आपको इसके बाद देख लेना, पेज नंबर होता है, तो काम है, पूरा चार्ट बना हुआ है।
पेज नंबर 30 निवृत्ति का अर्थ सीधा सीधा इंद्रियों के आकार रूप रचना, उसे कहते हैं निवृत्ति। क्या कहते हैं? निवृत्त इंद्रियों के आकार रूप रचना। अब इंद्रियों के आकार रूप जो रचना होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो आत्मा के प्रदेशों की इंद्रियों के आकार रूप रचना हुई और एक उद्गल परमाणुओं की इंद्रियों के आकार रूप रचना हुई। समझाएं, आत्मा के जो प्रदेश है उनका जो इंद्रियों के आकार रूप जो शेप बना उसका नाम है अभ्यंतर निवृत्ति, और जो उद्गल परमाणु थे उन उद्गल परमाणुओं का जो इंद्रियों के शेप में फॉर्मेशन हुआ उसका नाम क्या है? बाह्य निवृत्ति। एक में आत्मा के प्रदेश का शेप है और एक में उद्गल के प्रदेशों का शेप है, दोनों में शेप। जो आत्मा के प्रदेशों का शेप है वो अभ्यंतर निवृत्ति है, और जब उद्गल के परमाणु का शेप है वो बाह्य निवृत्ति शेप बन रहा है। अंदर जानने का काम है वो बाह्य इंद्रिय में, लेकिन जो आत्मा के प्रदेशों का उसके आकार रूप जो रचना होती है मतलब इंद्रियों के आकार रूप रचना, उसका नाम है अभ्यंतर निवृत्ति। आत्म प्रदेशों की इंद्रियों के आकार रूप रचना वो अभ्यंतर निवृत्ति, और उद्गल की इंद्रियों के आकार रूप जो रचना हुई उद्गल परमाणुओं की उसका नाम है बाह्य निवृत्ति। एक ही स्थान पे दो, जहाँ आत्मा के प्रदेश और उद्गल के परमाणु एक क्षेत्र में रहते ना दो, जहाँ उद्गल के परमाणु जिस शेप में परिवर्तित हुए तो आत्मा के प्रदेश भी उसी शेप में परिवर्तित हो गए, लेकिन दो चीज अलग अलग है इसलिए एक का नाम अभ्यंतर निवृत्ति दिया और एक का नाम बाह्य निवृत्ति। काली मिया की बात सर। इसके बाद में उपकरण, उपकरण कहते हैं जो निवृत्ति का उपकार करे उसका नाम है उपकरण। उपकरण माने एसेसरी कहते ना, जो निवृत्ति का उपकार करे उसका नाम उपकरण। अब ये उपकरण भी दो प्रकार के हैं, एक तो बाह्य उपकरण और एक अभ्यंतर उपकरण। बाहर का उपकरण है अभ्यंतर, पहले अभ्यंतर उपकरण देखते हैं। ये जो नेत्र के अंदर ये जो काला काला सफेद सफेद जो मंडल दिखता है ना, ये अभ्यंतर उपकरण है, और ये जो पलके हैं ये बाह्य उपकरण है। ऐसे दो प्रकार के उपकरण, कितनी चीजें हो गई अपनी? छह चीजें हुई, छह कुल मिला के छह। देखो मूल में देखें तो इंद्रिय के दो भेद किए, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, और फिर भाव इंद्रिय के दो भेद किए, लब्धि और उपयोग। एक जना वहीं बैठ जाओ नहीं तो क्या? लब्धि और उपयोग, भाव इंद्रिय के दो भेद। लब्धि नाम है ज्ञानावरण का जो क्षयोपशम मिला है, जानने की शक्ति पूरी जितनी भी है लब्धि है, और जो ज्ञान का व्यापार है तत्समय में वो क्या है? उपयोग। ये तो हो गया भाव इंद्रिय का हिसाब किताब। अब रही द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय की कितने भेद किए? दो। कौन कौन से? निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति माने इंद्रियों के आकार रूप रचना, उस निवृत्ति के दो भेद किए, एक बाह्य निवृत्ति और एक अभ्यंतर निवृत्ति। अभ्यंतर निवृत्ति माने आत्मा के प्रदेशों की इंद्रियों के आकार रूप रचना, और बाह्य निवृत्ति माने उद्गल परमाणुओं की इंद्रियों के आकार रूप रचना। ये हो गई निवृत्ति। और उपकरण माने जो निवृत्ति का उपकार करे। उपकरण के दो भेद किए, अभ्यंतर और बाह्य। बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। अभ्यंतर उपकरण जैसे नेत्र इंद्रिय भी लगाया अपन ने, जो लाल सफेद सफेद और काला काला जो गोलक है वो कौन सा उपकरण है? अभ्यंतर। और जो बाहर जो पलके वगैरह है ये सब क्या है? पलके भोहे ये सब क्या है? बाह्य उपकरण। ये भी इसकी रक्षा करते हैं, निवृत्ति का उपकार है। ये नहीं हो जैसे इसकी सीधे डायरेक्ट मतलब एक्सपोजर हो जाएगा, ये इसकी रक्षा के लिए एक तरह से पलके वो है, ये सब निवृत्ति का उपकार करती है सब। तो इतना व्यापार चलता है अपना, मैंने वो ज्ञान की पर्याय जो जानने का काम कर रही है वो,
फिर उसके बाद क्या है तो जानने की शक्ति जो वर्तमान में मतलब जानने का जो जो जितना अपने को जानने के लिए जो जितना ज्ञान का विकास हुआ है लब्धि, फिर लब्धि से और अंदर गए तो वो जो आत्मा के प्रदेशों की इंद्रियों के आकार रूप रचना हुई, फिर बाहर गए तो वो जो पुद्गल के परमाणुओं की इंद्रियों के आकार रूप रचना हुई, फिर और गए तो अब वो जो अंदर उपकार ये उपकार कर रहा अभ्यंतर उपकरण पलके आदि ये जो गोला सफ़ेद लाल और सफ़ेद और काला गोला, और फिर बाहर गए तो ये पलके मतलब कहाँ की से कहाँ से कहाँ, सबसे अंदर क्या चीज़ है उपयोग, फिर उपयोग से स्थूल हुए तो लब्धि, लब्धि से और स्थूल हुए तो उपकरण ए निवृत्ति अभ्यंतर निवृत्ति, फिर बाह्य निवृत्ति, फिर अभ्यंतर उपकरण, फिर बाह्य उपकरण, ऐसे पूरी प्रोसेस चलती जा रही है, तब किसी चीज का जानना होता है। छः भाव इंद्रिय के दो भेद, द्रव इंद्रिय के दो, और फिर दो के दो चार, तो चार द्रव इंद्रिय के और दो भाव भाव, छः भेद ऐसे, ठीक है। इसमें दिया भी है देखो कौन किसके कारण से मिलता है, भावेंद्री में निमित्त है अपने ज्ञान वर्णी कर्म का क्षयोपशम, और द्रवेंद्री में निमित्त है शरीर नाम कर्म का उदय, शरीर की रचना के हिसाब से द्रवेंद्री बनती है, और भावेंद्री में जीव का जो ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है उस जितना उसका क्षयोपशम होता है मतलब ज्ञानावरण का जितना उभार होता है, जितना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम माने जितना ज्ञानावरण कर्म का उदय कम होता है उतना उतना ज्ञान का विकास होता है, तो वो ज्ञान के विकास से संबंधित है कौन भाविंद्री, और द्रविंद्री शरीर के आकार से संबंधित है। देखो आंखें सबकी एक सी लेकिन फिर भी सबके ज्ञान का क्षेत्र अलग अलग है, कान सबके एक से हैं किसी का क्षेत्र कम है किसी का ज्यादा, रसना इंद्री भी सबकी अलग अलग काम करती है, ज्ञान इंद्रिय भी अलग अलग काम करते हैं, किसी की नाक बहुत तेज होती है और नाक ट्रांसफर भी कर दो ना तो भी कुछ नहीं होता क्योंकि ज्ञान का काम अलग चीज है, लोग करते हैं ब्रेन की रिसर्च इसके ब्रेन में क्या भरा था, और ब्रेन में भरा है ज्ञान, ज्ञान आत्मा में भरा है, ब्रेन क्या करेगा उसके अंदर, अरे ज्ञान तो आत्मा की पर्याय है, पुद्गल की रचना है तो इंद्रियों की, आदमी ठिकना होता है एकदम दुबला पतला देखने में ऐसा लगे बिल्कुल कीड़ी का, और दिमाग इतना तेज होता है क्या पूछे, और पहलवान होते हैं मोटे ताजे किए और देखो तो दिमाग एकदम तो द्रवेंद्री से भाव इंद्रिय कोई संबंध ही नहीं है क्या, द्रवेंद्री अच्छी मजबूत हो तो ज्ञान खूब होगा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र है अपने, वो द्रवेंद्री पुद्गल की रचना है और भाव इंद्री जीव की, तो जीव का ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञान का विकास भावेंद्री, जो जान रहे हैं अपन वो भावेंद्री, जिससे जान रहे हैं द्रवेंद्री, तो वो तो ज्ञान का अपना स्वयं का है ना सारा काम, ये तो अपनी क्या है इसकी सबकी पराधीनता है, ये तो चीज अपनी थी असली है, लेकिन अपन ने इंद्रियों से इतना प्रेम किया है कि अपने को भाव भाव में इंद्रियां मिल रही है, और अब हम यही समझने लगे हैं कि हमारा ज्ञान इन इंद्रियों से ही आता है, आँख ही देखती है, आँख नहीं होगी तो अपन देख नहीं सकते, कान नहीं होगी तो सुन नहीं सकते, जीवा नहीं होगी तो चख नहीं सकते, जब ये चीज़ है अपनी ही और अपन ने इंद्रियों से ज्ञान की उत्पत्ति मान रखी, इंद्रियां ही ज्ञान की उत्पत्ति करती हैं, जबकि इसके लिए स्पष्ट उदाहरण है कि इंद्रियों से ज्ञान आता हो तो मुर्दे को क्यों नहीं आ रहा है, मुर्दे की तो आँख भी खुली है जीवान भी खुली है एकदम, मुँह खुला है समझ लो मी भी खुला तो मुँह में रख दो रसगुल्ला कितना उसका स्वाद आता है, कान खुले हैं सब सुन रहा है, अगर कान के अंदर शब्द तो जा रहे हैं ना कोई मजा नहीं आता उसको, क्योंकि वो जड़ इंद्रिया क्या करेगी, जो असल इंद्री है वो तो भाव इंद्री है, ज्ञान का क्षयोपशम है ज्ञान का मतलब ज्ञान का व्यापार है, वो ज्ञान का व्यापार ही जानी है तो वो क्या काम करें, तो ज्ञान है जीव की जिसके द्वारा प्रवर्तित होता है उससे प्रेम करने लग जाता है, ये मानता वही ज्ञान की उत्पत्ति का कारण, इंद्रियों से ज्ञान उपजता है ये मानते हैं, परंतु क्या प्रश्न क्या है कि परंतु जड़ जो है मैंने ये तो इंद्रिया तो अचेतन है, ये चेतन का सर्जन चेतन का कैसे निर्माण करेगा, ये चेतन की उत्पत्ति कैसे करेगा, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे करेगा,
जड़ से ज्ञान कैसे आएगा? चैतन्यमय आत्मा से ज्ञान आएगा ना। ज्ञान तो आत्मा की चैतन्य चैतन्य आत्मा की निधि है, वो उसका इंद्रियों से क्या समझ। लेकिन जीव ऐसा मानता अपनी निधि तो इसने पर को दे रखी। ज्ञान तो आता है पांच इंद्रियों से, और अपन तो जो है ना रुपये पैसे मकान जायदाद के मालिक हैं। तो अपन ज्ञान के मालिक नहीं बनते, अपनी चीज के मालिक नहीं बनते, पर द्रव्य के मालिक बनते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति मानते इंद्रियों से, और स्वयं को पर पदार्थ का स्वामी मानते, मतलब शरीर का स्वामी तो मैं हूँ और ये शरीर मेरे को ज्ञान उत्पन्न करते हैं। अब वो कहते हैं कि भैया ये शरीर का स्वामी तू नहीं है, पर शरीर न ज्ञान उत्पन्न करता। दोनों बात झूठी। अब ये इंद्रिया किसमें निमित्त होती है, और देखो थोड़ा सा इसमें विषय दिया। इंद्रिया निमित्त किसमें है? तो इंद्रिया पांच विषयों को जानने में तो है ही, लेकिन पांच इंद्रिय विषय भोग में उलझाने में निमित्त उलझ जाता जी उसमें, और ऐसा उसका गुलाम हो जाता है। बस वो न मिले तो अपने आप को बड़ा दुखी अनुभव करता। तो क्या करना चाहिए? अपने को इंद्रिय भोगों को छोड़ना चाहिए। इंद्रिय भोगों को तो छोड़ना ही चाहिए, इंद्रिय भोगों की गुलामी तो छूटनी चाहिए। वास्तव में तो ये जो इंद्रिय ज्ञान है, ये इंद्रिय ज्ञान में कोई रखने मतलब उपादेय नहीं है। उपादेय तो वास्तव में अतींद्रिय ज्ञान है। इंद्रियों के अवलंबन बिना जो ज्ञान प्रवर्तित होता है वो वास्तव में अनाकुल निराकुल है, और वो सुख का कारण है। वो उपादेय ग्रहण करने लायक तो वो है अतींद्रिय ज्ञान। देखो क्या है, एक इंद्रियों के अलावा एक मन भी होता है ना अपने पास, मानस ज्ञान। जैसे अभी अपन जो इतना ही विचार कर रहे हैं, अपन तो अपना ये सारा विचार कैसे चल रहा है? मन से, इंद्रियों से नहीं चल रहा। अभी अपन अपने यहाँ पे जो भोग है अपना, तो इंद्रिय भोग नहीं मतलब, तो मानस ज्ञान का भोग। इंद्रिय भोग तो क्या होता है, अपन खाते रहते नहीं तो वो सुनने गाना वगैरह तो नहीं सुनते, मेरी आवाज़ गाने जैसे तो नहीं। वो जब कर्ण इंद्रिय का भोग कहलाता है कि जिससे जिसमें अपनी आसक्ति होती ना, जिससे अच्छे अच्छे राग रंग के गाने हो, संगीत हो, स्वर हो, नहीं ये तो इसके माध्यम से जो अपन जानते हैं जिसको, वो जो जाना जाता है वो पदार्थ इंद्रियों का विषय नहीं है, वो ज्ञान का विषय है। जैसे जीव का अपन ने जाना, उद्गल जाना, धर्म अधर्म आकाश काल जाना, तो वो अपन ने अपने मानसिक ज्ञान से जाना। कर्ण इंद्रिय तो उसमें केवल निमित्त मात्र है, शब्द तो देखो वाच्य है, वाचक वस्तु कोई अलग है। वाच्य हमने सुन भी लिया, लेकिन वाचक पे हमारा ध्यान नहीं जाए तो हमको वो आनंद भी नहीं आता। वो तो हम उसको सुन के वो शब्द जिस चीज को बता रहे हैं वो उस पर हमारा लक्ष्य आता है तो हमको आनंद की उत्पत्ति होती है, अन्यथा शब्द क्या करेंगे। क्या जैसे ये उंगली है, उंगली उसको बता रही, उंगली देखते रहे तो उंगली से क्या दिखने वाला, वो उंगली जिसको दिखा रही है उसको देखेगा तो आनंद आएगा। ऐसे ये जो जिनागम का जितना भी ज्ञान है वो तो शब्द है, वो जिसको बताते हैं वो उसका विचार करता है तो उसको आनंद की तरंग उत्पन्न होती है। जैसे अनित्य भावना है, अपन ने अनित्य भावना का वर्णन किया, अपन विचार करो कि हाँ वास्तव में जब क्षण भंगुर है, संसार दुख रूप है, तो अपने आनंद की तरंग उत्पन्न होती है। तो वो आनंद कोई इंद्रियों का आनंद तो ही नहीं, वो एक अलग जाति का आनंद है। इंद्रियों का आनंद तो ये पांच इंद्रिय के जो विषय वो है, इसलिए तो कहते हैं वो दुख रूप है और ये सुख रूप है, इसका आनंद एक अलग जाति का। क्या ज्ञान का सुख अलग ही है, और इंद्रिय विषय का तो क्षण मंगुर होता है, जब तक मुंह में रहता है तब तक खत्म। उसके बाद उससे आप हम आपसे ये भी कहते हैं कि उसका वर्णन करो, आज आपने जो खाना खाया उसका वर्णन करो, तो आप तीन चार पाँच मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकते कि बोलो बहुत अच्छा था आपका ठीक था क्या बोले, लेकिन इसका अपन कहेंगे इसका वर्णन करो आप, तो आप इसमें घंटों वर्णन कर सकते हैं। तब विषय नहीं है मतलब, ये इसलिए कहा उन्होंने कि शुद्ध ज्ञान जो है वो छो द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों को जानता है। तो वहाँ प्रश्न किया कि भाई ये शुद्ध ज्ञान जानता है तो कैसे जानता है, तो उन्होंने कहा जो मन है ना, मन अमूर्तिक पदार्थ को भी जान लेता है, इंद्रिया अमूर्तिक को नहीं जान सकती। देखो पांचों इंद्रियां जो जानेगी, जैसे स्पर्श इंद्रिय वो किसको जानेगी, स्पर्श, रसना इंद्रिय रस को, ग्रहण इंद्रिय
गंध को, चक्षु इंद्री रूप को, ठीक है, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु चारों स्पर्श रस गंध वर्ण को जानते हैं। इसके अलावा किसी को जान सकती है? स्पर्श इंद्री स्पर्श को छोड़ के किसी को जान सकती है? रसना इंद्री रस को छोड़कर, घ्राण इंद्री गंध को छोड़कर, चक्षु इंद्री रूप को छोड़कर नहीं जानती। तो इन चारों का विषय फिक्स है, स्पर्श रस गंध वर्ण, और वो सब पुद्गल में, ठीक है। और कर्ण इंद्री वो शब्द जानती, शब्द भी पुद्गल की पर्याय, वो चार पुद्गल के गुण हैं और शब्द पुद्गल की पर्याय। अब इससे जो जाना जाएगा वो तो केवल पुद्गल ही जाना जाएगा ना, हमें जानना है किसको? आत्मा। तो वो आत्मा तो अपन अपन विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उससे जाना जाएगा। हाँ, इंद्रिया देख लेगी, लेकिन मुझे भागना है ये ज्ञान विचार करेंगे। तो इसलिए वो चीज अंतर है दोनों। ये केवल अपन कान से केवल शब्द नहीं, शब्द के ऊपर विचार भी करते हैं। शब्द तो सब एक से सुनते हैं, लेकिन सबको अलग अलग आनंद आता है। सबके जो है चित्त के विचार सबके भिन्न भिन्न होते हैं। यदि वही वो शब्द यदि आनंद आए तो गाना सुन के जैसे सब नाचते हैं, जैसे सब नाचते हैं, भी नाचते ना, कोई को आनंद आता है, कोई को नहीं आता। तो इसलिए वो बिल्कुल उसका जो है, इसलिए कह रहा है कि अपना टाइम ले लिया। तो इसलिए वो जो इंद्रियां जो है वो केवल पांच, ये स्पर्श रस ना, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, इन पांच ही विषय को जानते हैं, तो पांचों पुद्गल की पर्याय। इसलिए कहते हैं कि इंद्रियां आत्मा को जानने में निमित्त नहीं, और इसलिए हमें इंद्रिय ज्ञान को तिलांजलि देना होगा। क्योंकि हमारा हित जो है अपने को जानने में, आत्मा का हित आत्मा को जानने में, और आत्मा का जानना इन इंद्रियों के द्वारा नहीं होगा। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को अपने को छोड़ना, क्योंकि तो इंद्रिय ज्ञान से जब भी जानेंगे तो पुद्गल ही जानने में आएगा, स्वयं अपना आत्मा जानने में नहीं आएगा। क्योंकि उसका विषय नहीं, इंद्रियों का विषय है पुद्गल, और हमें जानना है अपने अमूर्तिक आत्मा को। अमूर्तिक आत्मा में न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न शब्द है, न रूप है। तो ऐसे अरस अरस अस्पर्श अरूप अरस अगंध और अशब्द वाले विषय को जानना होगा, तो इंद्रियों का व्यापार बंद करना पड़ेगा, तभी तो उसको जान पाएंगे। यदि इंद्रियों का व्यापार चलता रहेगा तो रस रूप को ही जानता रहेगा। इसलिए इंद्रिय ज्ञान इस अपेक्षा से है, और आप पढ़ना इसके अंदर कि ये क्या है, ये अपन ने विषय कर लिया, ऐसे सारी चीजें अपनी होगी। तो इंद्री सुख तो है ही, साथ में इंद्री ज्ञान भी है, मतलब छोड़ने लायक, ग्रहण करने लायक। तो वास्तव में अतिंद्री ज्ञान और अतिंद्री सुख है, इंद्री ज्ञान और इंद्री सुख दोनों छोड़ने लायक। बाकी चर्चा